हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सास बहू सिंधी तड़का। सो गाइज, हम बोरिंग खाना खा के बोर ही हो गए थे, तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा कुछ अच्छा खिलाओ। तो मम्मा ने बोला कि चल मैं तुझे दाल पकवान खिलाती हूँ, वो भी सिंधी तड़का वाले। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आपके सामने सिंधी तड़का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। सो मम्मा, हमने ये दाल निकाली, घंटा पहले भिगोई है दाल, धो के एक घंटा पहले हमने भिगो दी थी दाल। इसको फिर कुकर में डालेंगे। ठीक है, डेढ़ कप पानी। ओके, हमने दाल डाल दी है कुकर में। फिर हम अब इसमें कितना पानी ऐड कर रहे हैं? डेढ़ कप पानी डालेंगे। डेढ़ कप पानी डालेंगे। इसके बाद डालेंगे हल्दी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी। इसके बाद डालेंगे नमक। उसके बाद हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, ताकि दाल हमारी अच्छे से गल जाए। इसके बाद हम इसको बंद करके उसके बाद हम इसको लगाएंगे हाई फ्लेम। सो गाइस, जब तक हमारा दाल में विसिल लगती है, तब तक मम्मा हम अपना डो बना लेंगे। तो हमने ये मैदा लिया है, इसमें मम्मा डाल रही हैं नमक। इसके बाद डालेंगे अजवाइन डलेगी। उसके बाद हम डालेंगे अजवाइन थोड़ी क्रश करके, से टेस्ट आता है बहुत अच्छा। ठीक है, इससे आएगा बढ़िया टेस्ट। क्रश करके हाथों से आप इसमें डालेंगे अजवाइन। इसके बाद डालेंगे मोन डालेंगे घी। इसके बाद हम डालेंगे घी। इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसका अच्छा सा एक बढ़िया डो बना लेंगे। मिक्स करेंगे पहले इसको। गाइज, हमारा डो बन के रेडी हो गया है, एकदम बढ़िया सॉफ्ट बनाते हैं। अब हम चलते हैं दाल के प्रोसेस में। अब हम चलते हैं वापस दाल के प्रोसेस पर। सो गाइज, हमारी दाल बन के रेडी हो गई है। बढ़िया, आप देख सकते हैं बन गई है। बन गई है, देखते हैं मैश कर लेते हैं थोड़ा चम्मच से। इसको चम्मच से थोड़ा मैश कर लेंगे, फिर बनाएंगे तड़का। अब हम रेडी करेंगे दाल का तड़का। तो तड़का रेडी के लिए हमने सबसे पहले क्या डाले हैं मम्मा? रिफाइंड डाला, घी डाला, सब घी डाला है। इसके बाद हम डालेंगे जीरा। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे जीरा। जीरा, जीरे को थोड़ा सा चटकने देंगे, उसके बाद गरम हो। अब आप देख सकते हैं जीरा चटक गया है। अब हम क्या डाल रहे हैं मम्मा? लाल मिर्च डाल रहे हैं, हरी मिर्च। लाल मिर्च और हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। उसके बाद हम डालेंगे टमाटर। उसके बाद हम डालेंगे हल्दी। हल्दी के बाद डालेंगे हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च। इससे आएगा हमारा बढ़िया सा दाल में कलर। उसके बाद डालेंगे इसी खटाई। उसके बाद हम डाल लेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर। उसके बाद डालेंगे थोड़ी धनिया। उसके बाद हम डाल रहे हैं थोड़ा पिसा धनिया, धनिया पाउडर पिसा हुआ। उसके बाद हम डालेंगे टमाटर, डाल दिए हमारे टमाटर आ गए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक, टमाटर नमक डाले। अब हम डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। अब हम इसको थोड़ा सा ढक के पकाएंगे, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी दाल बिल्कुल रेडी है, तड़का एकदम रेडी है। अब हम इसमें अपना तड़का दाल में डाल अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा गरम मसाला डालेंगे इसमें, धनिया डालेंगे, फ्रेश कटा हुआ धनिया डालेंगे। अब दाल हो गई रेडी। दाल इज रेडी। सो अब हम बनाएंगे पकान। सो गाइस, अब हम बनाने जा रहे हैं पकान। ये हमारा फर्स्ट पकान रेडी हो रहा है। पतला सा बेलेंगे, मेक श्योर आप पकान को पतला सा बेलें।
फोक से करेंगे ऐसे, इसलिए जो ये फूल जाएगा फोक से ऐसे करेंगे तो फूलेगा नहीं। हम ये चाहते हैं कि ये पकान हमारा फूलना नहीं चाहिए, बेकार जाएगा ऐसे सही तो क्रंची या बिल्कुल पापड़ सा जो बनता है इसके लिए हमें फोक से ऐसे ऐसे करके छेक अगर निकालेगा। हमारा गर्म हो गया, घी हमारा मस्त गर्म हो गया है, इसको ऐसे ऐसे निकालेंगे, फ्राई करेंगे ऐसे ऐसे करेंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमारा पकान रेडी हो गया है। सो गाइस हमारा दाल पकान गरम गरम रेडी है, दिखने में जितना टेस्टी है उतना ही खाने में भी लजीज और टेस्टी है। दाल आप देख सकते हैं, ये हमारा सैलड, ये हमारा पकान। सबसे मज़ेदार बात तो ये है, मैं आपको आज रिव्यू भी बताऊंगी कि कैसा लगा। तो पापा खा रहे हैं दाल पकान, पापा से पूछेंगे कैसा लगा, कैसा लगा पापा आपको दाल पकान? वेरी नाइस पकान, मॉर्निंग टाइम पे खाया जाता है। ग्रेट, तो हमारा सुबह का हेल्दी ब्रेकफास्ट। दाल कैसी बनी है पापा? दाल वेरी नाइस है और दाल पकान भी अच्छा है, प्याज भी अच्छी है, नींबू भी डाल के खा रहे हैं। चलो गाइज आपको बढ़िया आपको रिव्यू तो मिल ही है, तो घर पे इसे ज़रूर लाइक करें और बनाएं अपने घर पे सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट। बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा। थैंक यू पापा। ओके सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सास बहू सिंधी तड़का। थैंक यू।